हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग ग्रेट. माय नेम इज कीर्तिका सिंगला. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. सो एवरीवन, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट वेदांतु इज हायरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक काउंसलर एंड एचओडी. सो मेनी पोस्ट दे आर हायरिंग ऑन लिंक्डइन एज वेल एज ऑन द देयर ओन वेबसाइट. तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इंटरफेस वेबसाइट का भी, लिंक्डइन का भी, जहां से आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आप मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट है एंड आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप प्लीज इस पे अप्लाई करो. अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी होंगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी हाउ वी कैन अप्लाई. करते हैं. एक्चुअली मैं कल ही एक्सप्लोर कर रही थी आप लोगों के लिए जॉब्स. तो मुझे था कि जिनकी बायजूस में नहीं हुई है या फिर बायजूस अभी साइंस वगैरह के लिए एक्टिवली हायरिंग भी नहीं कर रहा है, तो फॉर द टाइमिंग आप कहाँ पे और अप्लाई कर सकते हो या फिर कोई और ऑप्शंस आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो. सी, कभी भी एक चीज पे स्टिक नहीं रहना चाहिए, कभी भी एक जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए. जब भी मैं जॉब सर्च कर रही थी उस टाइम में एक दिन सुबह उठती थी और सिर्फ लिंक्डइन पे जॉब्स के ऑप्शन में इफ यू कैन सी है ये जो जॉब ऑप्शन है, यहाँ जाकर जो भी मुझे सुटेबल अपने प्रोफाइल के साथ मैच करती लगती थी या फिर इधर उधर मैनेजर एकेडमिक काउंसलर में सब में अप्लाई कर देती थी. क्योंकि मतलब एट द एंड कुछ नहीं पता डेस्टिनी आपको कहाँ से कहाँ ले जाए. मैंने अपनी अनअकैडमी की जॉब भी लिंक्डइन से अप्लाई की थी, बायजूस की भी. तो कुछ भी कभी भी हो सकता है. तो जस्ट आप जहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिले अप्लाई कर दो, इंटरव्यू दे दो, बाद में देखी जाएगी. यू विल हैव अ गुड टाइम टू डिसाइड कि आपको वो ज्वाइन करना है नहीं करना है ना. सैलरी आपकी सुटेबल है, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस, लोकेशन, ठीक है. तो ये सब आप बाद में देख सकते हो. इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर, तो इस पर आप कर सकते हो. बट मुझे लग रहा है मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेनली एजुकेटर्स हैं. तो आपको ये वाली जॉब अप्लाई करनी चाहिए, असेसमेंट स्पेशलिस्ट. तो ये अच्छा जॉब है, ठीक है. और वेदांतु की एक चीज़ और भी है कि अगर आप इसके सपोज करो एम्प्लॉय हो, राइट, उसके बाद आपको अपनी जॉब चेंज भी करनी है. तो इन वेदांतु में जब मैं थी ना तो इंटरनल पोस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है कि ये इंटरनल जो पोस्टिंग है आप अपनी शिफ्ट कर सकते हो. बायजूस में भी ऐसा है, तो इसमें भी ऐसा होता है. अनअकैडमी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखो ये सब कुछ जो भी जॉब की डिस्क्रिप्शन है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जॉब है बेसिकली ये, तो ये आप देख सकते हो. स्किल्स जो भी इनको रिक्वायर्ड हैं, है ना. अगर अगर आपके स्किल्स इसमें मैच नहीं भी करते हैं तब भी आप कर सकते हो अप्लाई. ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो इन्होंने लिख दिया वही आपको चाहिए ही चाहिए. तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है ना. जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई मनी नहीं लग रहा है, वैसे अप्लाई करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है. आप इसको अप्लाई करो, ज़रूर अप्लाई करो. नेक्स्ट देखो ये वाली जॉब, अकेडमिक काउंसलर, ये भी अच्छी जॉब है. ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आप देखो यहाँ पे शायद फ़ोन में, तो हाँ ये देखो ओवर 200 एप्लीकेंट्स. सिर्फ दो दिन, एक या दो दिन के टाइम में इतने एप्लीकेंट्स इनके पास आ चुके हैं. तो सब ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं. अब 200 में से सिर्फ 20 ही होंगे जिनको सब कुछ सूटेबल में भी लग रहा होगा, है ना. बट हायरिंग बल्क में होती है, तो आप प्लीज़ इसको भी देख सकते हो. और सैलरी भी अच्छी है, जितना बायजूस में अराउंड अप टू 4 लाख पर एनम है. पैन इंडिया है, वर्क फ्रॉम होम है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, है ना. तो ये सही चीज़ें हैं. और प्रेफर्ड इंडस्ट्री इन्होंने लिखी हुई है, पैकेज भी सही है. तो आप इस पे भी जा सकते हो अगर आपको ये सुटेबल लगे. एकेडमिक काउंसलर की जॉब, अगर आपने पहले एडटेक में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, पक्का होगा. जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनका सब में मुझे पता है, सब मेरे फ्रेंड्स का थोड़ा बहुत एकटेक में एक्सपीरियंस है. तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एकेडमिक काउंसलर. और अगेन अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता, जस्ट अ क्लिक अवे. अप्लाई पे क्लिक करो एंड ये फॉर्म देखो. इसका अच्छी बात है जॉब एप्लीकेशन होती है आपका, ये सारा का पूरा का पूरा ये फॉर्म जो आपको फिल करना है. इफ़ यू वॉन्ट, ये फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज़रूर लिंक अप कर दूंगी, ठीक है. तो आप इस पर कर सकते हो. तो ये जॉब्स करंटली मुझे सही लगी थी, एक दो दिन पहले ही आई हैं. तो आप इस पर अप्लाई करो. और
ये दो जॉब्स हो गई, असेसमेंट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स एंड एकेडमिक काउंसलर। इसके अलावा मैंने इनकी वेबसाइट ओपन की, तो मुझे था कि ये सेम जॉब्स मे बी वेबसाइट पे भी हो, तो मैं प्रेफर करती हूँ थ्रू वेबसाइट अप्लाई करना या फिर थ्रू लिंक्डइन अप्लाई करना। तो दोनों ही सबसे परफेक्ट मोड हैं कभी भी एडटेक में अगर आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे बिल्कुल नीचे जाना है आपको, इधर, हाँ ये वाला जो बिलो है, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो यहाँ पे करियर्स ऑप्शन, कंपनी, किसी भी कंपनी की वेबसाइट खोलोगे ना, कंपनी के ऑप्शंस में करियर ऑप्शन मिलेगा। करियर्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स मिल जाती हैं अगर हों तो। बट यहाँ पे अभी जो फिलहाल ओपन पोजीशंस हैं वो ये वाली हैं, पांच। अगर हम लर्निंग कंटेंट के बारे में करें तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए, केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, एक किसी का कमेंट भी आया था कि आई एम इन वेरी गुड पोजीशन इन अन अकेडमी, तो मुझे बहुत अच्छी पोजीशन की जॉब चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको ये फॉर्म्स यहाँ पे फिल करने होते हैं। ये भी इनकी अच्छी चीज़ है कि आप गूगल गूगल फॉर्म्स आपको ये देते हैं और आपको वो अप्लाई उस पर फिल करना है। या फिर आप ये अकेडमिक्स कारिकुलम डिज़ाइनर इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए बायजूस में भी हायरिंग हो रही है अकेडमिक स्पेशलिस्ट की, तो मैंने काफ़ी हमने रेज्यूमे फॉरवर्ड भी किए हैं। इनफैक्ट मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स को लिंकडिन के ऊपर डायरेक्ट लिंक भेजा था बायजूस का भी फॉर्म भरने के लिए, और काफ़ी उन्हें फिल भी किए हैं। बट आप फॉर द सेफर साइड आप ये भी फिल कर सकते हो, ठीक है? तो मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए इसमें, तो आप ये कर सकते हो। क्रिएटिव राइटिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसमें HOD पोजीशन भी है, 3rd to 8th ग्रेड। ये अच्छा पोजीशन है अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की आप लोग ये जॉब ले सकते हो। और इनको जो सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए HOD, दैट इज़ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो प्लीज़ गो थ्रू इट, इसको करो अप्लाई। इसका मैंने पैकेज देखा था, आई थिंक किसी जॉब का मैंने देखा था, 3 लाख पर है ना, इन्होंने लिखा हुआ था। बट ये आप देखो, पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हुई है क्या क्या करना है। आप लोगों को ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, फुल टाइम जॉब है। सेम फुल टाइम जॉब का अराउंड 5 to 6 लाख, आप मतलब मैक्सिमम 6-7 लाख होता है पैकेज, मोर देन 4 लाख होता है, ठीक है? 4 और मोर देन 4, तो 3 वैकेंसीज हैं सिर्फ। तो अगर अभी भी इनके वेबसाइट पे ये है तो अभी भी इनकी वैकेंसीज चल रही हैं, क्योंकि रिवाइज हो जाती हैं फिर, अगर नहीं हुआ वैकेंसी तो रिवाइज हो जाती हैं। या तो डाउट एक्सपर्ट का भी आप जॉब ले सकते हो, मे बी डाउट एक्सपर्ट काइंड ऑफ ये क्लास टीचर का ही जॉब है, 30,000 इसका है, 3 लाख पर एनम इसकी वैकेंसीज हैं, एक ही वैकेंसी है, तो प्लीज़ आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? मैथ्स के लिए बेसिकली मुझे लग रहा है वेदांतों में अच्छी हायरिंग हो रही है। तो मैथमेटिक्स के लिए देखो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी चाहिए और इनको HOD पोजीशन भी चाहिए और डाउट एक्सपर्ट भी चाहिए मैथमेटिक्स के लिए। और इसमें भी जो हमने लिंक्डइन पे भी देखा है, तो उसमें भी असेसमेंट स्पेशलिस्ट मैथ्स चाहिए, एकेडमिक काउंसलर जो हैं वो हो सकते हैं किसी भी बैकग्राउंड के, तो ये काफ़ी अच्छी जॉब्स ओपनिंग्स हैं। मैथमेटिक्स पीपल एंड इंग्लिश पीपल जो है एक्टिवली इस पे अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और भी मैं जॉब ओपनिंग्स के बारे में सर्च कर रही हूँ, और बायजूस के लिए भी मैं आपको जल्दी अपडेट करूंगी। एंड ऑल्सो ये मैंने जल्दी जल्दी में बनाई है क्योंकि मुझे अभी की अभी इसको अपलोड करना है, बट फॉर श्योर और भी बहुत सारी मैं वीडियोस लेकर आ रही हूँ उसके ऊपर, बायजूस का डेमो और इंटरव्यू कैसे करना है, डेमो वीडियो एक्चुअली में बनानी कैसे है, मैं खुद अपना एक डेमो भी आपको दूंगी ज़रूर मैथ्स के ऊपर। तो प्लीज़ आप उनको देखना, उस वीडियो को देखना, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।